करीब 1.5 साल से विश्व में कोरोना का प्रभाव है। मेडिकल एक्सपर्ट, योग गुरु और आयुर्वेद सभी ने इस दौर में लोगों को सुरक्षित रहने के लिए योग करने की सलाह दी है। आधुनिक युग में लगभग सारी विधियां एवं पद्धतियां बीमारियों के उपचार के लिए खोजी गई हैं, परंतु उपचार से बचाव अच्छा है। प्रणव उच्चारण करने से जीवन शक्ति ऊर्ध्वगामी होती है। इसके 7 बार के उच्चारण से चित्त से हताशा भी दूर होती है। अनुलोम विलोम करने से फेफड़े शक्तिशाली होते हैं। सर्दी, जुखाम व दमा की शिकायतों से काफी हद तक बचाव होता है। भ्रामरी प्राणायाम करने से उच्च रक्तचाप की शिकायत दूर होती है। साइनस रोग के लिए यह प्राणायाम लाभप्रद है। भुजंगासन का अभ्यास करने से शारीरिक तनाव से राहत मिलती है। पाचन शक्ति में वृद्धि होती है। ये आसन अस्थमा तथा मांसपेशियों और जोड़ों के दर्द जैसे रोगों से मुक्ति दिलाता है। पहले सीधे खड़े हो जाएं तथा अपने दाएं पैर को भीतरी जांघ पर रखें। फिर अपने दोनों हाथ फैलाएं तथा दोनों हाथ को ऊपर ले जाकर मिला दें तथा इस मुद्रा में बने रहें। इसे 10 से 20 सेकंड तक करें तथा इसे 4 से 5 बार कर सकते हैं। वृक्षासन 2 शब्दों से मिलकर बना है। वृक्ष का अर्थ है पेड़ और आसन योगा मुद्रा की ओर दर्शाता है। वृक्षासन घुटनों के दर्द के लिए, एड़ियों के दर्द के लिए, पैरों की मजबूती, कद बढ़ाने में, रीढ़ की हड्डी के लिए कर सकते हैं। वृक्षासन की सावधानियां। वृक्षासन उनको नहीं करना चाहिए जिनके घुटने में बहुत ज़्यादा दर्द हो। अधिक एड़ियों के दर्द होने पर इस आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। सर्वांगासन करने से रक्त संचार ठीक होता है व स्मरण शक्ति बढ़ती है। चक्रासन करने से कब्ज जैसी बीमारियां दूर होती हैं। रीढ़ की हड्डी मजबूत तथा पुष्ट बन जाती है। मयूरासन करने से अपच, कब्ज व वायु विकार की शिकायतें दूर होती हैं तथा शरीर को स्फूर्ति व शक्ति मिलती है। धनुरासन के अभ्यास से एसिडिटी, गैस, खट्टी डकार व सामान्य पेट दर्द जैसी शिकायतें दूर होती हैं। मत्स्यासन करने से पूरा शरीर मजबूत बनता है। रक्ताभिसरण की गति बढ़ती है। फलता चमड़ी के रोग नहीं होते हैं। उष्ट्रासन पेट की चर्बी को कम करता है तथा मोटापे को दूर कर शरीर को सुडौल व सुंदर बनाता है। आंजनेयासन को करने से फेफड़े मजबूत होते हैं और चेस्ट एरिया का भी डेवलपमेंट होता है। वज्रासन ही एकमात्र ऐसा आसन है जो खाने के तुरंत बाद किया जा सकता है। खाने के उपरांत वज्रासन का नियमित अभ्यास पाचन शक्ति में कई गुना सुधार लाता है। पर्वतासन से कंधों में दर्द अथवा जकड़न की शिकायत दूर हो जाती है। योग मन, मस्तिष्क एवं शरीर का एक अभ्यास है। यह सिर्फ व्यायाम भर नहीं बल्कि विज्ञान पर आधारित